यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ट्रिपल यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। टिप्पर यूनियन बिलासपुर ने अपनी मांगों को लेकर डीबीएल रेलवे कंपनी के कार्यालय के पास धरना प्रदर्शन किया। यूनियन का कहना है कि लंबे समय से वे मांग कर रहे हैं कि बिलासपुर में चल रहे विभिन्न प्रोजेक्ट्स में स्थानीय टिप्पर यूनियन की गाड़ियों को काम मिले, लेकिन अब तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इन परियोजनाओं में बाहरी गाड़ियों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे स्थानीय वाहन मालिकों को भारी नुकसान हो रहा है। अगर उनकी गाड़ियों को इन प्रोजेक्ट्स में शामिल नहीं किया गया तो वे विरोध को और तेज करेंगे। बाहर से आ रही गाड़ियाँ, हजार हजार फुट की गाड़ियाँ, फुट की गाड़ियाँ हैं, उनको कुछ नहीं है। बात करो, ऑफिस में सर बंद करो, बंद कर देते हैं, बात खत्म, बंद करो, ये हमारा हक है। और ऑफिस में की हम सब बात दे, पता नहीं मांगने से नहीं मिलेगा, ठीक है ना। एक मिनट, ये 30-35 लाख की टिकट डलेंगे, मांगने से नहीं मिलेगा, ठीक है। बैंक की किस्तें खड़ी हैं, टायर वालों के पैसे देने होंगे, पंप वालों के पैसे देने होंगे। आपने सर वो कंपनी का कोई था, आरबी का था, वो बुलाया था, उसने मना कर, फिर उन्होंने मना किया, हमारे पास आपको कोई काम नहीं, कोई काम नहीं है, हम नहीं दे सकते आप। देखिए सर, मेरा नाम सत्यदेव शर्मा, मैं जिला बिलासपुर यूनियन जो हमारी टिप्पर यूनियन बनी है उसका चेयरमैन हूँ। हमने पिछले दिनों 2-3 बार जो है हमारे जिलाधीश महोदय के पास पूरे यूनियन के लोग गए हुए थे, लेकिन उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। मैं अपना करने, आप भी लोकल आदमी पत्रकार, आप सब भी यहाँ के लोकल हैं, और ये पिछले 15 साल से हम देखते आ रहे हैं जितना शोषण इन टिप्पर वालों का, आम आदमी का यहाँ पर हुआ है। कोई भी प्रोजेक्ट आया होगा, चाहे 4 लेन का आया होगा, चाहे रेलवे का आया होगा, जितना शोषण इन आदमियों का या इन मालिकों का हुआ होगा, शायद ही किसी का हुआ होगा। कहीं 100 टिप्पर बिके, बैंक की देनदारी सर पर है, पंप वालों की देनदारी सर पर है, और इन कंपनी वालों ने मजाक बना के रखा हुआ।